भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन विधान परिषद उपचुनाव के प्रत्याशी बनाए गए। एनडीए की ओर से दूसरे प्रत्याशी पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को लेकर पार्टी ने बड़ा दाव खेला है। शाहनवाज ने लंबे समय तक केंद्र में राजनीति में दखल रखा है, लेकिन अब भाजपा उन्हें बिहार की राजनीति में ला रही है। ऐसा माना जा रहा है कि विधान परिषद में चुने जाने के बाद उन्हें बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शाहनवाज हुसैन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रिय नेताओं में शुमार रहे। उनको बेहद शांत, सौम्य और ईमानदार छवि के लिए जाना जाता है। उनका बेदाग राजनीतिक करियर और पार्टी नेतृत्व के हर फैसले पर साथ देने के गुण का फायदा उन्हें मिल सकता है। भाजपा ने उन्हें विधान परिषद चुनाव का प्रत्याशी बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति बड़ा संदेश दिया है। वर्तमान में विधान परिषद और विधानसभा में भाजपा का कोई भी अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है। पार्टी ने शाहनवाज हुसैन के जरिए तूफ का पत्ता के रूप में इस्तेमाल किया। आने वाले दिनों में भाजपा इसके जरिए कई राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास भी करेगी। दूसरा नाम एनडीए की तरफ से मुकेश सैनी का रखा गया है। हालांकि मुकेश सैनी ने एनडीए में तब पेच फंसा दिया जब उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें 41 महीने वाली सीट नहीं बल्कि 72 महीने वाली सीट चाहिए, यानी कि 6 साल के लिए जो सीट खाली हुई मुकेश सैनी उसी पर अपनी दावेदारी रखना चाहते हैं। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किसके पाले में कौन सी सीट जाएगी, क्योंकि 2 सीटें खाली है। शाहनवाज हुसैन का नाम बीजेपी की तरफ से सामने है, लेकिन कौन सी सीट पर उनकी दावेदारी होगी ये अब तक स्पष्ट नहीं है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये बड़ा दाव तो है ही, लेकिन मुकेश सैनी क्या आगे भी चुनौतियां खड़े कर सकते हैं ये देखना होगा।